नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार हम इस लाइव की एजुकेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं नीरज यादव आप सभी का मेरी इस लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जुड़ गए हैं आप सभी लोग, मैं आपके काफ़ी देर से कमेंट्स देख रहा था, यहाँ पे सभी लोग जुड़ गए हैं। आप जल्दी से अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज अपना। और जल्दी से अपने दोस्तों को यहाँ से शेयर कीजिएगा, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कीजिएगा। सभी जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सभी सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून सभी को भाई। क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक आप सभी के पास अपना ये जो वीडियो है इसका लिंक सभी के पास शेयर कीजिएगा। और एक बार लाइक कर दो सभी क्लास को भाई, जल्दी से लाइक करो क्लास को, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जल्दी से लाइक करो क्लास को, एक बार मैं देख रहा हूं कितने लाइक होते हैं। लाइक करो जल्दी से क्लास को, फिर चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे, बातें करते रहेंगे। आप सभी से जुड़े रहिएगा आप सभी क्लास में। आज का भी हमारा ये पोर्टिकल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी क्लास है, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है ये सारे। और आप सभी को इन क्वेश्चनों से एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। बड़े ध्यान से अपने को ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। पहला ही क्वेश्चन मैं आपको पुटअप कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे आंसर देंगे पहला क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर आने चाहिए, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा, मैं देख पा रहा हूं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है यहां पे, जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर। गुड आफ्टरनून सभी को, बिल्कुल थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी आपको बिल्कुल करवाएंगे, हर क्वेश्चन की हर ऑप्शन की थ्योरी करवाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन यहां से देखो। राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की मुख्य आधार है, राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग लगाया जाता है उसका मुख्य आधार क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से कौन आंसर देता है पहले क्वेश्चन का? सी आंसर, अशोक कुमार ने सी आंसर दिया है यहां से सबसे पहले। सुनीता यादव डी आंसर, राम डी 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 भी आंसर आ रहे हैं यहां से। देखो राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग, सबसे पहले क्वेश्चन को अपने को समझना है यहां से। सबसे पहले बात कर रहा है, बोर्ड पे ध्यान देना अभी, महाअभियोग की, महाभियोग, ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये हमारे आर्टिकल कौन से आर्टिकल में वर्णित है? जो राष्ट्रपति हमारा है, राष्ट्रपति आप सभी को पता है राष्ट्रपति का जो पद है हमारा वो भारत का सबसे ऊंचा पद माना जाता है, सबसे ऊंचा पद माना जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हमारी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? महाअभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये हमारे आर्टिकल 61 में वर्णित है, 61 में उल्लेख किया गया है। वेरी मोस्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। जल्दी से मेरे को बताओ जो ये महाअभियोग है, महाअभियोग है ये कहां से लिया गया है, कौन से देश से हमारे ये महाअभियोग की जितनी भी प्रक्रिया है ये कौन से देश से ली गई है? जल्दी से बताओ, पहले कौन बताता है महाअभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? बिल्कुल ए डी डी मिक्सअप आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के, इसका मतलब मिक्सअप आंसर आ रहे हैं तो टॉपिक क्लियर नहीं है। महाअभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? जल्दी से आंसर दो, कौन देता है पहला आंसर? महाअभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, चलो देखते हैं बोर्ड पे। महाअभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल अमेरिका आंसर आया अशोक कुमार का, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका, यहां से मैं लिख दे रहा हूं आपको, अमेरिका, अमेरिका से ये महाअभियोग की प्रक्रिया ली गई है, आर्टिकल 61 में इसका वर्णित है। और महाअभियोग हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस प्रक्रिया का क्या किया जाता है? प्रयोग। यहां से एक बात और बताता हूं मैं आपको, क्या महाअभियोग का प्रयोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है? हमारे देश में और ऐसे कौन से पद हैं जिनको
हटाने के लिए महाअभियोग का प्रयोग, महाअभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कौन बताएगा सबसे पहले, देश का ऐसा और कौन से पद हैं जिनको हटाने के लिए महाअभियोग का, महाअभियोग की प्रक्रिया का, बिल्कुल बिल्कुल महाअभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है, बताओ। देखो राष्ट्रपति पे हमारे देश के संविधान में यही लिख रखा है, उल्लेखित तो यही है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, लेकिन हमारे देश में सीएजी का पद होता है, महानियंत्रक लेखा सीएजी का पद होता है, उसको हटाने के लिए भी महाअभियोग लगाया जाता है। हमारे देश में चुनाव जो आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको हटाने के लिए यहां से महाअभियोग प्रक्रिया का महाअभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाअभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये सारी जो चीजें हैं ये महाअभियोग प्रक्रिया से ही हटाई जाती हैं। वैसे संविधान में अगर हम देखें तो महाअभियोग की प्रक्रिया को हटाने के लिए सिर्फ किसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। सारी बातें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 61 में उल्लेखित है, अमेरिका से ये लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सी। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है वो सही आंसर है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, यहाँ से संविधान का अतिक्रमण, यानी कि संविधान जो हमारा है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन जब राष्ट्रपति करता है या अतिक्रमण करता है तो उस राष्ट्रपति को महाअभियोग की क्रिया के द्वारा पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। याद रहेगी बात, देखो पहला इसमें दे रखा है रिश्वत, राष्ट्रपति को रिश्वत लेने की जरूरत है क्या भाई, बताओ है। कितनी मासिक तनख्वाह होती है राष्ट्रपति की, महीने में उसको 5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है राष्ट्रपति को, तो उसको रिश्वत लेने की जरूरत है क्या, नहीं। ऐसे ऑप्शन राष्ट्रपति के लिए मान्य नहीं रखते हैं। 5 लाख रुपए पर मंथ उसको सैलरी मिलती है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन मिलता है जो 5 एकड़ जमीन में बना हुआ है, 5 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इस भवन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, सालाना इसकी मरम्मत के लिए, इसकी देखरेख के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे पद के लिए रिश्वत लेना जरूरी है क्या, नहीं है। क्यों, तो राष्ट्रपति जब हटाया जाएगा तो सिर्फ इसी कारण से हटाया जाएगा कि वो संविधान का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, तो ही राष्ट्रपति को एक ही क्रिया के तहत, महाअभियोग की क्रिया के तहत क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। सभी जानकारी आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल यहां से सभी लोग जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम यहां से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे तब तक लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी एक साथ, तब मैं दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ूंगा, बड़े अच्छे से दूसरे क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दो, मैं देख पा रहा हूं आपके। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से भाई, कौन देता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां से सबसे पहले। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो यहां से सी आंसर दे रहे हैं सभी, सी आंसर दे रहे हैं भाई, 5 लाख रुपए पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप लोग। अभी दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, सी आंसर दे रहे हैं, सोनू कुमारी सी आंसर दिया है, अशोक कुमार ने भी सी आंसर, एनके गोस्वामी ने भी सी आंसर, मनीषा राव ने भी सी आंसर, कविता मीना सी आंसर, ज्योति सी आंसर, लगभग लोगों ने यहां से सी आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, महाअभियोग का आरोप कहां लगाया जाता है, यही वही महाअभियोग का क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अभी पहले पूछा था कि महाअभियोग
कैसे लगाया जाता है, और इसमें पूछा है महाभियोग का जो आरोप है वो कहां लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, महाभियोग का आरोप कहां लगाया जाता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने इसमें, देखो केवल लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन। देखो यहां से फिर वो बात कर रहे हैं महाभियोग की, महाभियोग ध्यान से देखना एक बार मित्रों, महाभियोग का जो आरोप है ये एक आरोप है। जब किसी देश का राष्ट्रपति महाभियोग से हटता है तो वो बहुत बड़ी निंदा की बात होती है, क्योंकि देश का राष्ट्रपति ही जब ऐसे कार्य करेगा तो वो देश संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस महाभियोग की प्रक्रिया के लिए देखो, ये महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है हमसे पूछ रहा है ए ऑप्शन में लोकसभा, बी ऑप्शन में पूछ रहा है राज्यसभा, सी ऑप्शन यहां से दे रखा है अपने को संसद, संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदन, और डी ऑप्शन अपने को दे रखा है हाई कोर्ट। क्या दे रखा है भाई, सुप्रीम कोर्ट। डी ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय। यहां पे सर्वोच्च न्यायालय, ये अपने को डी ऑप्शन दे रखा है। तो आप लोग आंसर क्या दे रहे हो जल्दी से कमेंट्स करो, महाभियोग का आरोप क्या क्या आंसर दिए हैं सभी बच्चों ने, सी आंसर दिए लगभग बच्चों ने, सी डी भी दिए आंसर, सी आंसर दिए लगभग बच्चों ने, बिल्कुल सही आंसर है इसका सी आंसर, संसद के दोनों सदन। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो अपनी संसद होती है, इसके कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये संसद के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, ध्यान देनी है यहां से बात, संसद के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। तो महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है वो संसद के दोनों सदनों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर तो ये आरोप लगेगा, जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में ही ये आरोप लगाया जाता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या करूं मैं, ध्यान से देखना एक बार बोर्ड पे। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारी लोकसभा है इसमें कितनी सीटें हैं जल्दी से बताओ, कमेंट्स करो कितनी सीटें हैं लोकसभा में। कल की क्लास में जिसने देखी होगी वो बता सकते हैं कितनी सीटें हैं लोकसभा में, आंसर आने चाहिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान में। बिल्कुल आंसर दो सभी, दो 552 आंसर आया, बिल्कुल पहला आंसर आया 552, सही आंसर है 552 सीटें होती हैं वर्तमान में, 545 सीटें हैं जिनमें से दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहां से बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं, हाँ सभी के 552 आंसर आ रहे हैं। राज्यसभा की 245 लिखे हैं अशोक कुमार ने, मैं राज्यसभा की सीटों की बात कर रहा हूं। अच्छा राज्यसभा के 245 लिखे हैं, देखो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो 250 होती हैं, लेकिन 245 सीटें वर्तमान में राज्यसभा में हैं, जिनमें से 12 सदस्य क्या करते हैं, मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य, 12 सदस्य, यहां से ध्यान देना है। बिल्कुल 245 आंसर आ रहे हैं बच्चों के, 245, 445 भी, हाँ लोकसभा वाले 445 आंसर दे रहे हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, देखो ये होता है हमारा, राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होता है, और ये हमारा निम्न सदन कहलाता है। कैसा कहलाता है, निम्न सदन, ये उच्च सदन कहलाता है, ये निम्न सदन कहलाता है। यहां से एक चीज और ध्यान देनी है आपको, यहां से एक चीज बहुत अच्छी है जो ध्यान देनी है आपको, कि जो महाअभियोग की प्रक्रिया होती है वो लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है इस बात की, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि उनके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, महाअभियोग लाया जा रहा है। महाअभियोग संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होता है। जब महाअभियोग लाया जाता है तो 1/4 सदस्य यहां पर सहमत होने बहुत जरूरी है, यहां पर सहमत होने बहुत जरूरी है प्रत्येक सदन के, और जो महाअभियोग की प्रक्रिया है उसको पारित होने में
दो बटे तीन सदस्यों के हस्ताक्षर होने बेहद जरूरी हैं। लोकसभा से अगर पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 लोगों को सहमति दर्ज करनी पड़ेगी कि हम महाअभियोग की प्रक्रिया से, यानी कि हम इसके फेवर में हैं। ये 2/3 सदस्यों के जब तक सहमति नहीं होगी, जब तक वो प्रस्ताव क्या नहीं होगा, पारित नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। और ये महाअभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी आंसर बिल्कुल सही था, संसद के दोनों सदनों में ये पारित होना, यानी कि दोनों सदनों में आरोप लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दो। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत, देखो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। मैं कमेंट्स देख रहा हूं, इस क्वेश्चन के आंसर कौन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का, कितनी बार यहां से महाअभियोग से राष्ट्रपति को हटाया गया है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आंसर देना है जल्दी से। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं यहां पे, डी 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 आंसर आ रहे, 3 बार। सुनील सुभाष सैनी ने 3 बार, मनीष राव डी, सतीश कुमार, हेलो सतीश, हेलो गुरुजी लिख रहे हैं वो, अशोक कुमार डी। जल्दी से आंसर दो भाई, महाअभियोग से अभी तक कितने राष्ट्रपतियों को हमारे देश में हटाया जा चुका है? डी आंसर, प्रधान बेरवा डी आंसर दे रहे हैं। लक्की 1 बार भी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, जिन्होंने डी आंसर दिया है 1 बार भी नहीं, यानी कि हमारे देश में डी यहां पर महाअभियोग की प्रक्रिया 1 बार भी नहीं लगाई गई है किसी राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि महाअभियोग एक ऐसा आरोप है जो देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक का साबित होता है, और हमारे देश में 1 बार भी महाअभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि एक बार भी यहां पे हमारी महाअभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। वेरी गुड, सभी बच्चों का, लगभग बच्चों का आंसर सही था कि हमारे देश में महाअभियोग की प्रक्रिया 1 बार भी लागू नहीं हुई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दो जल्दी से। राष्ट्रपति की, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दो यहां से, राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो एक बार टेक्निकल टीम क्वेश्चन दिखाओ भाई, महाअभियोग प्रस्ताव की जांच कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महाअभियोग प्रस्ताव की जांच कौन करता है, यहां पे देखो आंसर देने आप सभी को, मैं आंसर देख रहा हूं आपके, महाअभियोग जो प्रस्ताव की जांच है वो कौन करता है, यहां से जल्दी से आंसर देना आपको, महाअभियोग का जो प्रस्ताव है उसकी जांच कौन करता है, कमेंट्स दिखाओ सर एक बार टेक्निकली। बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के, ए आंसर दे रहे हैं आप सभी, सर्वोच्च न्यायालय, सी भी आंसर आ रहे हैं, ज्योति ने सी आंसर दिया है, सतीश ए, पूजा यादव ने भी ए आंसर दिया है। यहां से महाअभियोग प्रस्ताव की जो जांच करता है वो कौन करता है, ए आंसर ज्यादातर बच्चों के आ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ए आंसर, लगभग बच्चों के डी आंसर भी दिया है राजेश, डी आंसर प्रधान ने डी आंसर, ध्यान से देखना बच्चों, बोर्ड पे देखना एक बार, जो ये महाअभियोग है हमारा, महाअभियोग जो है
इसकी जो जांच है, इसकी जो जांच है वो कौन करता है, यानी कि प्रस्ताव की, प्रस्ताव की। देखो यहां से ध्यान देना है आपको, मैं बता रहा हूं आपको, दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, काफी बार हम इस पे बात कर चुके हैं। तो ये हमारा, मैंने बताया था कि आपको ये हमारा उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है। और ये हमारा निम्न सदन होता है। ये हमारा पहला सदन होता है और ये हमारा दूसरा सदन होता है। तो जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, संसद का दूसरा सदन। और संसद का दूसरा सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाती है। कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाती है। संसद का जो दूसरा सदन है वो कौन कहलाती है? राज्यसभा। देखो यहां से प्रस्ताव 2/3 लोगों से यहां पे पारित होकर प्रस्ताव जाता है यहां पे राज्यसभा में, और इस प्रस्ताव में हिस्सा लेते हैं फिर कौन? राष्ट्रपति। यहां पे ध्यान देना है आपको एक बात, महाअभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति खुद भी हिस्सा ले सकता है या अपने अधीनस्थ को बैठा सकता है। और राष्ट्रपति के जो महाअभियोग की जांच होती है वो संसद के दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में होती है। और यहां से जो राष्ट्रपति है वो खुद भी इसमें जांच में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पहले क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। तो जिन बच्चों का डी आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर है, यहां से डी आंसर। हाँ, संसद का दूसरा सदन, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, देखो एक बार कौन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आया है, भारत सरकार की समस्त शक्तियां, भारत सरकार की समस्त शक्तियां कार्यपालिका की शक्ति, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की शक्ति, सभी शासन संबंधी कार्य किसमें निहित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसमें निहित होते हैं? यानी कि भारत सरकार की बात कर रहा है वो, यानी कि हमारे देश की कह सकते हैं हम समस्त शक्तियां, सबसे ज्यादा पावर, समस्त शक्तियां। और क्या पूछ रहा है यहां से? कार्यपालिका की शक्तियां, सभी शासन संबंधी कार्य किसमें निहित होते हैं? आंसर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का, किसमें निहित होते हैं? जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का भाई, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल, जिन बच्चों ने बी बी आंसर, सी आंसर भी दे रहे हैं बच्चे, बी आंसर सी। पीएम, पीएम सुनील सुभाष सैनी पीएम आंसर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सी आंसर दे रहे हैं, पूजा यादव सी आंसर, लगभग बच्चे आंसर दे रहे हैं कोई बी कोई सी। यहां से ध्यान से देखो, जो समस्त शक्तियां होती हैं हमारी उन पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो हमारी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति। तो यहां से जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति, सी और आंसर राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा ध्यान से देखना, जिन बच्चों ने पीएम आंसर दिया है, प्रधानमंत्री आंसर दिया है, उनका डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहां से देखो कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो प्रधान होता है, प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। बोर्ड पे ध्यान देना सभी एक बार, यहां पे देखो राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का बिल्कुल सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान कर, ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है। इस देश में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है। समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अब देखो, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है,
इन शक्तियों का वास्तविक उपयोग जो करता है वो करता है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। यहां से पीएम आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका वास्तव में जो उपयोग करता है वो पीएम करता है, लेकिन शक्तियां सभी निहित किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। देखो राष्ट्रपति जो हमारा होता है, राष्ट्रपति वो हमारे पीएम की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? पीएम की। और राष्ट्रपति पीएम की सलाह से यहां पे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती हैं हाथ में, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग किससे करवाता है? पीएम से करवाता है, और पीएम फिर उन शक्तियों को मंत्रियों में बांटता है, यानी कि ये इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। लेकिन शक्तियां हाथ में किसके रहती हैं? राष्ट्रपति के रहती हैं, लेकिन वास्तविक जो उपयोग करता है वो कौन करता है? पीएम ही करता है शक्तियों का। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा था वो ये पूछा था कि इन शक्तियों का यानी कि कार्य किसमें निहित होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो निहित तो हरदम किसमें होगा भाई? राष्ट्रपति में ही होगा। हाँ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता वो कि इन शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करता है, तो आप पीएम आंसर यहां से दे सकते थे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करो क्लास को भाई। देखो लाइक बहुत कम है क्लास में, आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, लेकिन लाइक करो इनको एक बार, सभी लोग लाइक कर दो। लाइक बढ़ने चाहिए यहां से, मैं देखूं जब तक। शेयर भी करो, ग्रुपों में शेयर करो, आपके जितने भी आपको यहां से आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चलाते होंगे आप लोग, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी पे दोस्तों से शेयर करो। अच्छी क्लास है, अच्छे क्वेश्चन है, यहां से बिल्कुल लाइक करो क्लास को। हाँ लाइक करो सभी लोग क्लास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम भी ध्यान देना, अपना जो अगला क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। अगर आप लोगों की कोई समस्या तो आप कमेंट्स बॉक्स में उन सब चीजों को लिख सकते हो। कमेंट्स में आप कमेंट्स किया करो, अच्छे कमेंट्स किया करो सभी, ठीक है? बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दो, आंसर दो अगले क्वेश्चन का। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, ए आंसर आ रहे हैं, लगभग ए आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के, ए आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है अपना, देखो भाई ध्यान से देखो एक बार। महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो है हमारा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महानियंत्रक लेखा का, महा जो नियंत्रक अपना लेखा होता है देश में, बहुत बड़ा पद होता है ये। महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है देश में, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो यहां से, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, कौन कौन बच्चे को पता है कि ये जो पद होता है ये कैसा पद होता है? क्या है ये महानियंत्रक लेखा परीक्षक, क्या है ये बताओ? सीएजी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सीएजी राम कुमार शर्मा ने लिखा है सीएजी। हाँ बिल्कुल, सीएजी का जो पद होता है हमारा वो महान नियंत्रक लेखा परीक्षक का होता है, बिल्कुल, जो जिसे हम सीएजी बोलते हैं, यही पद जो हमारा है ये महान नियंत्रक लेखा परीक्षक का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो ए आंसर दे रहे हैं बच्चे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष, कौन करता है? ए आंसर, बिल्कुल सभी का ए आंसर बिल्कुल सही है। इसकी जो नियुक्ति करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये जो सीएजी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां से हमारी इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। ध्यान देनी आपको,
कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है ये बात? सीएजी महान लिखित परीक्षा जो है ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में इसका जिक्र मिलता है। कौन से में? आर्टिकल 148 में इसका क्या मिलता है, जिक्र मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर सभी के आ रहे हैं, आर्टिकल 148 में। यहां से ध्यान देना है आपको, ये सीएजी का काम क्या होता है, जो हमारी यहां पे सालाना सालाना आय आय व्यय जो व्यय होते हैं हमारे देश में, इन सब का जो ब्यौरा रखता है, इन सब का जो हिसाब रखता है वो कौन रखता है? महानियंत्रक लेखा परीक्षक रखता है, सीएजी रखता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान से देखना, ये जो सीएजी है इसकी शपथ कौन दिलाता है? इसको जो शपथ दिलाएगा वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ये जो अपना त्याग पत्र देगा, ये जो अपना त्याग पत्र देगा वो भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। मोस्ट पॉइंट है दोनों एग्जाम की दृष्टि से। महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो है उसको सीएजी बोलते हैं। 148 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल यहाँ पे 148 आर्टिकल 148 लिख रहे हैं बच्चे, सही है। आर्टिकल 148 में इसका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। बिल्कुल भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दो। समझ में आ रहे होंगे आपको सभी क्वेश्चन? एक बार समझ में आ रहे तो सभी एक बार समझ में आ रहे हैं तो थंबनेल भेजो ये। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे तो सभी एक बार डन करो। देख रहा हूं किस किस को समझ में आ रहे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार आप थंबनेल ऐसे थंबनेल करके आप मेरे को बताओ। बिल्कुल आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है तो आप मेरे को ऐसे थंबनेल करके बताओ। चलो समझ में आ रही है सभी के? ठीक है समझ में आ रहा है सभी के? आ रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अब क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर दो यहां से। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे देखो ध्यान से। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसमें निहित है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो किसमें निहित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से पूछा गया सन 2019 में, पूछा गया क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में। बिल्कुल 2019 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं इसमें। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति, बताओ किसमें होता है? यहां पे बिल्कुल बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी आंसर दे रहे हैं। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे यहां से। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। जो राष्ट्रपति होता है उसी में ये शक्ति निहित होती है कि वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। बिल्कुल सीधा लाइन टू लाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरिकल इतनी नहीं है। जिन और बच्चों ने बी आंसर दिया है यानी कि जो अपना राष्ट्रपति है वो बिल्कुल आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, ये राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर दो सभी बच्चे, डिटेल से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां से, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आंसर दो जल्दी से, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट।
जल्दी से आंसर दो मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए हैं सभी के, यहां से आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां से। ए आंसर आ रहे हैं सभी के, ए ए ए आंसर आ रहे हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का क्वेश्चन दिखाइएगा टेक्निकल टीम। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। ए आंसर दे रहे हैं बच्चे, ए लोकसभा अध्यक्ष। देखो बोर्ड पे ध्यान दो मित्रों, एक बार बोर्ड पे ये बात कर रहा है संसद, ये बात कर रहा है संसद। संसद के अंग तीन होते हैं आपको पता है, ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है? जो इनकी संयुक्त बैठक होती है, सबसे पहले तो मेरे को आप एक बात बताइए यहां से कि जो ये संयुक्त बैठक होती है हमारी, ये कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है? जो हमारी जो ये संयुक्त बैठक होती है ये कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 108 में उल्लेखित है। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आपके, आर्टिकल 108 में उल्लेखित है। ये जो संयुक्त बैठक का जो आह्वान है, संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति। यहां से ध्यान देना है, राष्ट्रपति आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां से कौन सा आंसर सही होगा? राष्ट्रपति। देखो क्या होता है कि जो लोकसभा है इसने कुछ प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित किया, वो प्रस्ताव कहां पर भेजा? राज्यसभा में। आप सभी को पता है कि कोई भी प्रस्ताव पारित होने से पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पारित होना चाहिए और फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तभी वो प्रस्ताव फाइनल पारित माना जाएगा। यानी कि हमारे देश में किसी भी चीज को लागू करने के लिए तीन चीजों से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर अंतिम जो साइन करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, फिर वो प्रस्ताव मान्य होगा। तो अगर लोकसभा ने कोई प्रस्ताव भेजा राज्यसभा में और राज्यसभा ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनाई, सहमति जो है वो नहीं बनाई, तो इन दोनों में आपस में जो सहमति नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो जो राष्ट्रपति होता है इन दोनों की कैसी बैठक बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। कैसी बैठक बुलाता है मित्रों? संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत, 108 आर्टिकल के तहत। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। देखो दूसरी बात यहां से आपको याद रखनी है कि इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता, इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? जल्दी से कौन आंसर देगा? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ये बात आपको याद रखनी है, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर लोकसभा का स्पीकर यहां पे उपस्थित ना हो, ध्यान से सुनना, काम की चीज है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है, अगर लोकसभा का स्पीकर यहां पे उपस्थित ना हो तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा बताओ मित्रों मेरे को, कौन करेगा? यहां से देखो तो यहां पे अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष जो होता है वो इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी यहां पे उपस्थित ना हो, अगर उपाध्यक्ष भी यहां पे उपस्थित ना हो तो बताओ इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर दो जल्दी से, आंसर दो। देखो तो कौन करेगा? राज्यसभा का, ध्यान से देखना, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, यहां से राज्यसभा का उपसभापति इसकी संयुक्त बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता। दोबारा से देखो एक बार, मैंने कहा संयुक्त जो अपनी बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, अगर स्पीकर यहां पे उपस्थित ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा।
अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, सर आप उपसभापति ही क्यों बोले, आप सभापति भी बोल सकते हो, सभापति। यहां से आपको ध्यान देना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, आप सभापति क्यों नहीं बोले, सभापति। तो ध्यान से देखना मित्रों, नोट लगा के ये बात लिख लेना आप, कि कभी भी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, हमारे देश में एक पद होता है उपराष्ट्रपति का, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और ये कभी भी इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ये बात आप नोट करके लिख लेना, जो अगर ये उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति ही अध्यक्षता करेगा, ना कि राज्यसभा का सभापति, क्योंकि सभापति कौन होता है राज्यसभा का, हमारा उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है हमारा बताओ, राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हमारा देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, जो राज्यसभा के सभापति हैं, वेंकैया नायडू, आपको याद रखनी है, जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल, राष्ट्रपति लोकसभा में कुल कितने आंग्ल भारतीय संयुक्त के सदस्य मनोनीत करता है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार और आंसर दो जल्दी से, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। यहां से देखता हूं किनके आंसर आए हैं अभी तक, राष्ट्रपति लोकसभा में कुल कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करता है, ये अपना क्वेश्चन है 12, 14, 2 व 8, कितने लोगों ने आंसर दिया है जल्दी से कमेंट्स करो, 12, 2, सी, 3 भी लिख रहे हैं कई लोग, सी आंसर दे रहे हैं लगभग बच्चे, सी, यानी कि दो सदस्य। बिल्कुल यहां से ध्यान देना है, जो आंग्ल भारतीय होते हैं, देखो ये जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय भारतीय होते हैं, ये लोकसभा की पूछ रहा है, लोकसभा में जो राष्ट्रपति, जो अपना राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, उनकी संख्या होती है दो, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां से जो दो आंसर दिए हैं जिन बच्चों ने वो बिल्कुल सही है। और जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा में कितने कितने मनोनीत करता है, कमेंट्स करो जल्दी से, राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, राज्यसभा में कौन आंसर देता है जल्दी से करो, कमेंट्स दिखाना सर, कौन आंसर देता है जल्दी से, राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है, 22 किसने लिखा, निर्मल, 12, बिल्कुल बिल्कुल, अब आंसर सही आए हैं, 12 जो है राज्यसभा में क्या करता है मनोनीत। लेकिन एक बात अब इसमें आपको नोट करके याद रखनी है, हमारा जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है यहां से हमारा, उसमें ये कहा गया है कि आज अब से 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ है, इसमें मैंने कल भी बताया था कि अब ये आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करना जरूरी नहीं है, ये प्रावधान अभी 104वें संविधान संशोधन में लाया गया है, कि पहले जो राष्ट्रपति ये आंग्ल भारतीय नियुक्त मनोनीत करता था लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन अब ये करना मना, यानी कि हमारा 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें ये मना कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, जब तक आंसर दो जल्दी से अगले क्वेश्चन का, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम अवधि कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कौन आंसर देता है पहले, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके,
आंसर दो जल्दी से भाई। ए आंसर ए आंसर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। दो लिखा है ए दो। जल्दी से आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम अवधि कितनी होती है? बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, 6 माह की अवधि होती है। यहाँ पे जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, 6 माह आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ से 6 माह जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। आंसर जो बी आंसर जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल सही होगा। तो मित्रों एक बार बात मेरी ध्यान से सुनो, आपके लिए विशेष सूचना है। आप सभी अपने जो ये अपनी जो क्लास है इन सबको अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हमारी इस कोचिंग का जो जैन एकेडमी के नाम से है, आप सभी उन टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िएगा। इन सभी क्वेश्चनों की जो डेली के क्वेश्चन होते हैं इनकी जो PDF है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप से आपको सीधी मिलेगी वहाँ से। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं इन सबकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिल्कुल एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा क्लास को, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो एक बार सभी। चलो मैं आपसे अब अनुमति लेता हूं, मिलते हैं कल 12 बजे। कल 12 बजे इससे भी अच्छा सेशन, ये इससे भी बेस्ट क्वेश्चनों का सेशन लेकर आएंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और सभी कल मिलते हैं 12 बजे। सभी के लिए आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू, गुड आफ्टरनून सभी को।